आपलं नागपूर आपलं सिंगापूर अच्छा कारण इथेच आहे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं टायगर पॅराडाईज रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्क दुसरीकडे कुठे जायची गरजच नाही वा हो जंगल सफारी आणि टायगर पॅराडाईज रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्क मध्ये तुमचं स्वागत आहे नागपूर पासून बावन्न किलोमीटर व उमरेड पासून पाच किलोमीटर अंतरावर करहांड येथे निसर्गाच्या सानिध्यात बसून निसर्गाचा आनंद घ्या जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत किंवा शाळा प्लॅनिंग करत असाल तर अवश्य भेट द्या टायगर पॅराडाईस रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्कला हा पण माझी कट आहे मला आपलं लग्न टायगर पॅराडाईस रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्कलाच व्हायला हवं हो चल ठेवते मी दोस्तों नमस्कार मैं रूपा पंडित इन बी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों कहते हैं कि हर महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है और ऐसे ही एक शख्स से हम आपका परिचय करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत की उन्हें समय समय पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया और तो और न केवल अपनी धर्मपत्नी को बल्कि कई बार आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को भी आर्थिक सामाजिक और हर तरह से मजबूत बनाने में सहकार्य किया जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र पडोले सर सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं बता दूं कि वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर राजेंद्र पडोले सर जो कि वर्तमान में

बल्कि आप एक्टिंग के सामाजिक आर्थिक और सभी क्षेत्रों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इन सब चीजों के पीछे आपका कोई गॉडफादर था या फिर ये आपकी खुद की मेहनत के बलबूते मेरा तो नहीं था हुँ। क्योंकि हुँ। जैसा भी जिस परिवार से मैं आता हूँ तो परिवार मध्यम वर्गीय है उनको गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं कोई बिजनेस करूँ ऐसा कोई काम करूँ उनकी इच्छा ऐसी थी हमेशा कि मैं गवर्नमेंट से फिर से बन जाऊँ और गवर्नमेंट की नौकरी करूँ उनकी बड़ी इच्छा थी लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी उसमें नहीं रहा नहीं। मुझे हर क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट करने की बड़ी आदत थी जब भी मैंने काम किया जो जो नई हर चीज़ों से मैं इंस्पायर्ड होता गया हर एक हर एक चीज़ जो चीज मैंने की है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है कोई ना कोई वजह है जैसा कि सामाजिक होना बोले तो ये तो मैं जब छोटा था विद्यार्थी इसमें था तब से ही मैं विद्यार्थियों का नेता था आ, उनसे आ, कोई उनके इसके लिए उनके डिमांड के लिए लड़ता था ये मेरा काम था तो वो सारी चीज़ें दिमाग में थी कि सोशल सर्विस में लोगों को सोशल सर्विस बनकर लोगों की लोगों की सेवा करूँ लेकिन साथ में सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आ,

तो मैंने सबसे पहले बिजनेस पे ध्यान दिया मेरे मतलब आपने अपने हाँ। आप को खुद को स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को मजबूत किया उसके बाद में लोगों के लिए काम करने की कोशिश की ये मेरा तरीका था और हर वक्त में जब जब मैं कोई बात करता था कि भाई इस चीज से मैं वंचित रह गया जाऊ इस चीज को मुझे करना है तो मैं करूंगा ही करूंगा ये मेरा लॉजिक था उसके पीछे कितना पैसा लगने वाला था ये मेरा कोई उसके वो दिखता नहीं था कितने इसके इसके लिए पैसे कैसे आएंगे लेकिन ये ये पैसे मैं कमा के यहाँ पर कैसे लगाऊंगा इस बात पर ज्यादा ध्यान देता था अच्छा इस चीज पे आपका दिमाग पूरा चलता पुरा था चलता। अच्छा सर ये बताइए कि थोड़ा बहुत सोशल वर्क तो फिर भी चल जाता है लेकिन पॉलिटिक्स में हाथ डालना और पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ना बोले तो बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि कॉम्पिटेटर बहुत ज्यादा होते हैं और पर्टिकुलर किसी पार्टी को लेकर उस पार्टी में जाना तो ये बहुत टफ होता है तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में नहीं कैसा कि पॉलिटिक्स बोले तो कैसा रहता है जब अपने को किसी मार्केट में अपने आप को फोकस करना है तो कोई ना कोई ऐसा जरिया रहता है कि जग जी इस हिसाब से लोग मुझे जाने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसा है लेकिन मालूम नहीं है मेरे पास में पैसा नहीं है फिर भी मैं लोगों को मालूम हूँ ये जैसा इम्पोर्टेंट है विषय कैसा है कि मैंने जो भी काम किया है लोगों का ये काम हो जाए इसलिए इन लोगों से जुड़ना है इस मूवमेंट से जुड़ना है ये मेरा काम था तो उसको मैं इसलिए करता था उन सारे कामों को कि किसी पार्टी में जाके अगर ये कोई एक आधे पोस्ट पे एक चीज़ में हम लोग चुन के आए एक आधे उनके इसमें जाए अपने अपने विधान परिषद में जाए विधान विधान विधानसभा में जाए चुन के तो जिससे हम लोग उनके कुछ काम कर सके तो ये मेरा लॉजिक उसके पीछे का था इसलिए मैं उसके पीछे हमेशा लगा था क्योंकि उसके अल्टीमेटली उद्देश्य क्या होता है उनका कि लोगों की सेवा करना मुझे इस चीज़ में से ऐसा कोई गेन नहीं करना था कि इससे मुझे पैसा कमाना था ये मेरा कभी भी लॉजिक नहीं मैं कभी भी पैसा अपने ही इससे कमा लेता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ का कि भाई पॉलिटिक्स में आऊँगा तो मैं इससे पैसा गेन करने करने वाला वाला या कुछ गलत करने वाला सा, कुछ गलत काम था कि, नहीं यार, ऐसा कुछ पार्टी में मुझे नहीं जाना है जहाँ दम वहाँ हम ऐसा कुछ था आपका नहीं नहीं मैं तो बेसिकली मेरा जो काम करने का तरीका है मैं लेफ्टिस्ट हूँ बोले तो मैं दूसरे विचार का आदमी हूँ जहां दम वहाँ पर हम ऐसा इस है। का आपको नहीं होता द्युण है, द्युण कुछ अच्छा करूँ अच्छा ये नहीं। काम करने का है। बहुत -बहुत अच्छी बात है सर तो आजकल हम देखते हैं कि कई पार्टीज के नेता होते हैं जो भाजपा अगर चल रही है तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में भाजपा छोड़ के कांग्रेस में और फिर तीसरा राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आप पर्टिकुलर किस पार्टी को देखो मैं सबसे पहले तो बाबा साहब के विचारों को मानने वाला आदमी हूँ तो उनके विचारों को मानने के लिए जो जिस पार्टी में मैं बी में था बाद में इस चीज़ में मैं नागपुर में नितिन, नितिन से जी से नितिन गडकरी साहब से बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ देवेंद्र जी के भी काम से काफ़ी खुश था जब मुख्यमंत्री बने थे और जब जिस पार्टी में मैं काम कर रहा था मुझे लगा कि भाई ये पार्टी अभी यहाँ पर नहीं है ख़त्म हो गई है कुछ लोगों अभी कैसा रहता कि बोल नहीं सकते किसी में तो जिस चीज में लोगों की सेवा हो सके ऐसे कुछ कुछ चीजों को ज्वाइन करना चाहिए तो मैंने अभी हाल ही हो गया एक साल डेढ़ साल होकर मैंने बीजेपी के बीजेपी में प्रवेश किया है एक्टिवली काम नहीं करता हूँ लेकिन बीजेपी में फिलहाल तो मैं बीजेपी में सर लास्ट टाइम सुनने में आया था कि आप देवेंद्र फडनवीस जी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे बिल्कुल सही है तो मतलब एज अ कॉम्पिटिटर खड़े हुए थे या फिर क्या चल रहा था आपका दिमाग कि हम लोगों का बेसिकली कैसा है कि वहाँ पर कंपटीशन करना अलग बात है वो तो अपने विचारों की कंपटीशन होती है देखो देखो। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई हमारे मतभेद नहीं है कि भाई उनके अगेंस्ट में रहना है या कुछ करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है व्यक्ति का संबंध बड़े अच्छे हैं हमारे अच्छा। जो भी रहे लेकिन विचार अलग होने की वजह से हम लोग एक मेक के अगेंस्ट खड़े थे यानी वो मैं उनके अगेंस्ट खड़ा था वो मेरे अगेंस्ट नहीं थे तो हमने अपना अपना रखा अपनी अपनी भूमिकाएँ वहाँ पर सबके सामने रखी पर भूमिका रखने के बाद में उनकी उनकी भूमिका तो स्पष्ट थी मुझे फिर भी आ, अच्छे होर्स लोगों से मिले सर वही मैं कहना चाहता हूँ कि भले ही आपके अपोजिट में देवेंद्र फडणवीस जी थे और उस पीरियड में वो वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने।, बने।, बने लेकिन फिर भी आपका नाम बहुत चला उस वक्त नहीं सही है बराबर है क्योंकि क्या होता है कि एक बड़े आदमी के अगेंस्ट खड़ा होना

लोगों को प्रमोट करता हूँ कि लोगों को बोलता हूँ कि आप डिपेंड मत रहिए किसी चीज़ पे नौकरी मिलने वाली है करने वाली है छोटे छोटे उद्योग से आदमी बड़ा बनता है वो वो चीज़ें करना कभी भी अच्छा है लोग अपन बोलेंगे कि नौकरी मिलेंगे आजकल कैसा है कि हमारी उम्र इतनी ज़्यादा होती नहीं है तो इतने कम वक्त इतना कम हमारे पास में वक्त होता है इतने कम वक्त में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हमको तो लोगों ने ये काम करने की विद्यार्थियों की भूमिका ऐसी नहीं कि मेरा लड़का भी मैं आपको बताता हूँ उसका उदाहरण दूंगा जब वो बीस साल का था उसने जैसे इंजीनियरिंग की बीस इक्कीस साल में तो मैंने उसको काम पे लगा दिया काम करते करते आप फिर से पढ़िए बाद में उसने एमबीए किया तो वो पढ़ के ही आ, काम करता था और बाद में पढ़ता था मतलब सर लर्निंग प्लस अर्निंग आपने उसकी शुरू कर दिया बिल्कुल हमारे पास में इतना वक्त ही नहीं है कि हाँ। हम लोग सारी चीजों को एंजॉय करते रहे भिल्कुल भिल्कुल हमको अपना काम अपना योगदान काम में भी देना पड़ेगा समाज क्योंकि काम करेंगे तो ही हम समाज के एजुकेशन है, है अगर हम कंप्लीट करते रहे बिल्कुल के लिए बिल्कुल, लगाते हैं। बिल्कुल सर तो लर्निंग प्लस अर्निंग का फंडा भी बहुत जबरदस्त बताया सर ने आपने जैसा की देखा कि हमने राजनीतिक आर्थिक ये क्षेत्र में भी देखा मैं सर की एक और खास बात आपको बताना चाहूंगी की इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया है इनकी एट्रोसिटी जो मूवी है हिंदी मूवी वो बहुत फेमस हुई थी तो सर इस मूवी में एग्जैक्टली exactly क्या बताया था आपने देखिए एट्रोसिटी तो ये फिल्म हिंदी में रजिस्टर जरूर की थी लेकिन हिंदी में मैं रिलीज नहीं कर पाया इसे मैंने मराठी में पहले रिलीज किया ये हाँ। पिक्चर महाराष्ट्र में बहुत ऊपर गई हाँ। बहुत लोगों ने आज भी आप यूट्यूब पे देखी हाँ, है बहुत सारे मुझे दो दो से तीन मिलियन उनके फॉलोअर्स है सब सारी चीज़ें हैं और लोगों ने देखा है उसका इसके पीछे का मकसद ये ही था कि हम लोग आज भी इस यानी इक्कीसवें सदी में जीने के बावजूद भी हम लोग इन सारी चीज़ों को इस, इस सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको ये बताने की बात है लेटेस्ट मुद्दे भी बहुत सारे हैं आपको मालूम है फिलहाल तो जिस तरीके से लोग किसी चीज़ का प्रचार करते हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है मैं मानता नहीं हूँ भूमिकाएँ हमारे काम की होनी चाहिए हमने क्या किया किस तरीके से किया ये बताना ही बहुत ज़रूरी है सारे लोगों को तो उस पिक्चर में वही बताने की कोशिश की मैंने कि भाई एक में के कायदे का जो दुरुपयोग दूरुप, दुरुपयोग करते हैं लोग वो कैसा होता है ये बताने की पूरी पूरी मैंने चेष्टा की वहां पर और लोगों को ज्ञात करवाया कि भाई का कितना ज्यादा है और क्यों नहीं है क्यों है और क्यों नहीं है और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए पिक्चर उस का उसका उस मैंने पर सर एक और मराठी मूवीज थी मैं आपसे उनका नाम जानना चाहूंगी जो वाक्या, काफी वाक्या, फेमस हुई थी तो इस फिल्म का उद्देश्य क्या था इस पिक्चर में कैसा है की एक समाज जो जो उसको कौन सा समाज बोलते हैं मैं आपको जो एक में वो जो खेल दिखाते नहीं जो पूरे के पूरे अधनग्न होते हैं पूरे के पूरे जिस तरह से अपने पीठ पर हाँ, कोड़े मारते हैं हाँ, 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 हाँ तो उनको वो समाज के ऊपर में पिक्चर बनाई थी वो तो वो समाज को कभी भी यानी गांव का दाखला नहीं मिलता इस गांव का परमानेंट ना नागरिकत्व नहीं मिलता बिल्कुल किसी बिल्कुल भी गांव का तो वो वो लोगों के मन में क्या चलता रहता है उनकी भी पढ़ने की इच्छा होती है और उसके लिए वो क्या करते हैं उनका उनका शोषण कैसा होता है ये सब मैंने समाज को उनका एक चित्र आपने दिखा दिखाया बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है दोस्तों इन के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं द टाइगर पैराडाइज रिसोर्ट एंड वाटर पार्क के एम डी डॉक्टर राजेंद्र पडोले सर एक ए, ए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद मिलते हैं इस खास कार्यक्रम में आप लनगपुर आप लिंगापुर अच्छा कारण इथेच आहे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं टायगर हो जंगल सफारी आणि टायगर पॅराडाईज रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्क मध्ये तुमचं स्वागत आहे नागपूर पासून बावन्न किलोमीटर व उमरेड पासून पाच किलोमीटर अंतरावर करहांड येथे निसर्गाच्या सानिध्यात बसून निसर्गाचा आनंद घ्या तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत किंवा शाळा कॉलेजेसच्या प्लॅनिंग करत असाल तर अवश्य भेट द्या टायगर पॅराडाईस रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्कला हा पण माझी एक आहे मला आपलं लग्न टायगर पॅराडाईस रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्कलाच व्हायला हवं हो चल ठेवते मी दोस्तों नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर राजेंद्र पडोले सर सर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने धर्मपेट में स्त्री धन महिला सहकारी बैंक की स्थापना की है तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है नहीं धर्मपेट में नहीं है नागपुर शहर में है और बेसिकली हमारा जो कार्यालय है वो भी एनआईटी कॉलेज है उसके सामने है शेवाड़कर गार्डन में हमारा उसका कार्यालय है तो इसकी योजना ऐसी थी कि मुझे जब मिसेज ने मुझे बताया मिसेज को मैंने बताया कि आपको एक काम करना है कि जो महिलाएं हैं जिन हुँ। आर्थिक रूप से आर्थिक पिछड़ी, रूप हुई। पिछड़ी हुई पिछड़ी हुई है उनके लिए कुछ हम लोग लोन उपलब्ध करके उनको एक हद काम पे लगाना ऐसा कुछ कर सकते तो आप करिए मैं आपको एक संस्था का निर्माण करके देता हूँ तो so, मिसेस ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं मैं संभालती हूँ सारी चीजों को तो उन्होंने उनको मैंने वहाँ पर प्रमोट किया और प्रेसिडेंट बनी उस स्त्रीजन महिला नागरिक पथ संस्था सहकारी संस्था की और आज उसको सात आठ साल हो गए हैं, अच्छे से चल रही है वहाँ उस संस्था के जरिए बीस पच्चीस पचास लोग पच्चीस लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है साथ में बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे लोन छोटे छोटे व्यापार किया सर हमने सुना है कि कम कीमत में वो आप प्लॉट भी उपलब्ध कराएँ वो बिल्कुल उनके उनकी योजना वो भी है कि लोगों जो मेंबर्स है सोसाइटी के आने वाले वक्त में कि उनको कम कीमत में सोसाइटी से प्लॉट दिया जाए वो कोशिश कर रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ गाइडलाइन देता हूँ का का मतलब कौन -कौन हाँ, हम अभी शुरू कर रहे है कि आ, इनकी शाखा उनको गोल्ड लोन है, गोल है बाद में फिर पॉलिसी मोड़गेज जो होता है उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई पॉलिसी मोड़गेज करके वहाँ से लोगों को लोन मिल जाए ऐसी दो चार पांच योजनाएं धीरे धीरे शुरू करते हैं क्योंकि एक समय में में हमने एक 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 योजना शुरू शुरू कर कर दी चार कर दी चार पांच तो तो मजा नहीं आएगा तो एक साल में एक दो एक दो ऐसा हम लोग जाते हैं बिल्कुल महिलाओं को जो खास करके पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी सर ने अपनी वाइफ के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू करके दिया है जो अपने आप में काबिल एक तारीफ है सर ये बताइए कि मैंने ये सुना है वैसे तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ बोलना नहीं चाहिए बट हर स्त्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन हमने सुना है कि आपने अपनी वाइफ को जो बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा एजुकेशन तो उन्होंने नहीं लिया है लेकिन आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है हाँ मैंने पढ़ा है तो आपने हाँ बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी है। मैंने है। कि आपने पढ़ा उस एजुकेशन मैंने कराया जी जी उन्होंने पढ़े कैसे दिक्कत आई आपको दिक्कत बोलो तो कोई भी घर में कोई लेडीज़ रहती है घर के काम करते करते पढ़ना उसको बिल्कुल उचित नहीं लगता देखे लेकिन देखे उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि उनको बोलना कि देखो आने वाला वक्त बहुत ख़राब है आपके नाती भी रहेंगे नाती पोते जो जो भी रहने वाले हैं वो आपको पूछेंगे कि दादी नानी कितनी पढ़ी है तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भाई उनको उत्तर दे सकेंगे नहीं भाई मेरी नानी या मेरी दादी पोस्ट ग्रेजुएट है ये सारी बातें अच्छी लगती है और जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं तब तक के लोगों को हम लोग समझा नहीं पाएंगे उनको दिक्कत नहीं आई इतना मतलब घर भी संभालना बच्चों को भी संभालना और हाईली बोले तो मैं बार बार उनको पढ़ाता भी था एक एक बात को जब मैं यहाँ से ऑफिस ऑफिस से घर जाता था एक एक चीजों को उनको एक्सप्लेन करता था और एक्सप्लेन करके फिर वो लिखते थे सारी चीजों को तो आसानी से हो गया थोड़ा वक्त लगा एक ज़्यादा लग गया होगा ना हुआ है नहीं, सर बहुत अच्छी बात है सर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि उमरेड जैसे शहर में उमरेड के पास जो करांडला है वहां पर आज आपका द टाइगर पैराडाइज रिसोर्ट एंड वाटर पार्क सबसे ज्यादा फेमस है एज कंपेयर बाकी वाटर पार्क से मे बी करांडला में पहला वाटर पार्क आप ही का है बिल्कुल है जी तो उसको शुरू करने का आइडिया कैसा आया क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि करांडला के आसपास जितने भी गाँव हैं वो सब पिछड़े वर्ग के हैं तो आपके रिसोर्ट के माध्यम से वहां पर गाँव के बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है मैं पहली बात तो पहले बता चुका हूँ कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ बिलोंग करता हूँ हम मैंने जब मेरा जो पहला जो बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा जब छः साल का था तो उसको मेरे को ऐसे ही वाटर पार्क में घुमाने ले जाना था अमरावती रोड पे है वो वहाँ पर टिकट हुआ करती थी तकरीबन हज़ार रुपये ग्यारह सौ रुपये टिकट थी वहाँ पर तो हमारे पास में उस वक्त मुझे मालूम था टिकट कितनी होंगी मेरे पास में पंद्रह सोलह सौ रुपए थे लेकिन बात ऐसी हुई कि हम लोग टिकट काउंटर पहुंचे टिकट काउंटर पहुंचे पहुंचने के बाद में मैं टिकट नहीं ले पाया उसके लिए वो जब रोने लगा जब आते आते वाड़ी तक के रोने लगा तो मैंने उसको एक प्रॉमिस किया कि बेटा चिंता मत कर एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने ऐसा, ऐसा वाटर पार्क बनाए हैं तो वो वहां से मैं इंस्पायर्ड हुआ था और उसके बाद में जब मुझे करानला जंगल डिक्लेयर हुआ ये ऐसा टूरिज्म बनने वाला है अवेयर बनने, बनने वाला है तब मैंने कुछ लैंड वहाँ पर परचेज की और इसका निर्माण कार्य करने का प्रयत्न किया सन सॉरी 2016 से मैंने शुरुआत की वहाँ पर तो इसको हम लोग 26 जनवरी 2020 में कंप्लीट कर पाए 19 को उसका ओपनिंग हुआ था 19 जनवरी को उसका ओपनिंग हुआ था माननीय उस वक्त के जो देवेंद्र जी फडणवीस जी के हाथ से उनका ये किया था बहुत सारे मान्यवर वहाँ पर उपस्थित थे वहाँ के आमदार से वहाँ के माजी आमदार से बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे तो आज वहाँ पर हम लोगों को सब लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं जी, जी सर बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आसपास के जो गांव हैं वहां पर वो पिछड़े वर्ग के हैं और वहां पर एक इतना अच्छा रिसोर्ट चालू करना और वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है सर इसके अलावा नेक्स्ट प्लान क्या है आपका नेक्स्ट प्लान बोलो तो अभी ऐसा है कि मेरा चेन रिसोर्ट का कार्य शुरू है तो उसका एक यहाँ पर सुखली करके गांव है यहाँ पर हाँ भी हाँ मैं एक और से प्रोजेक्ट वैसा ही बना रहा हूँ बाद में माथेरान मुंबई निरल में निरल में भी मेरा काम शुरू है हाँ। छोटा काम कंपाउंडिंग का काम शुरू है हाँ। वहाँ पर भी मेरी जमीन है हाँ। तो सर आ, आप प्रॉपर्टी के भी फील्ड से जुड़ा है तो ये कैसा वर्क करते हैं इसमें आप ठीक है मेरे तकरीबन तकरीबन बहुत क्लाइंट है अच्छा काम किया है मैंने सारी चीजों में आ, तो लोग मेरे पास में रिपीट सब काम करते हैं रिपीट रिपीट वो भी क्लाइंट उनका बेस, मुझे हर, हर में काम आता है। सर ये कि इतनी सारी आप एक साथ हैंडल करते हैं, तो इसके लिए आपको खुद ही डिसीजन लेता हूँ खुद ही सारा संभालता हूँ मुझे इतना मालूम है की मैं पांच साल जीने वाला नहीं हूँ वो साठ सत्तर साल ही जीने वाला हूँ जितना मिलेगा में मैं क्या ज्यादा काम कर सकूँ अपने आप को जहाँ जहाँ प्रूव कर सकता हूँ तो करने की कोशिश करता हूँ सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नागपुर में जैसे कि अभी डेवलपमेंट की गति जो है नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में बहुत ज्यादा बढ़ी है स्पेशली आ, अपने रोड डेवलपमेंट की बात करें तो काफी मतलब गति पे है मेट्रो बन गया है नागपुर में आपको क्या लगता है की नागपुर में ऐसी कौन सी चीज जो आनी चाहिए नागपुर में जिस तरीके का डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मिहान को फास्ट करना ये करना चाहिए ग्रो करना चाहिए जो कि नितिन जी कर रहे हैं हाँ। अभी कैसा है कि सभी की नज़र उस पर होनी चाहिए एक आदमी ध्यान दे दे के कितना देगा बाकी सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए नागपुर इंडिया का सेंटर है इंडिया का सेंटर है तो लोगों ने उस हिसाब से इसको डेवलप करना चाहिए अगर यहाँ पर रोजगार की निर्मिति हो गई बहुत पैमाने में तो इसका स्टेटस बहुत और आगे बढ़ेगा ये मेट्रो मेट्रो जो भी बना है ना वो तो अभी तो चल ही रहा है सर लेकिन फिर भी बताइए कि क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि नागपुर जैसे सिटी के लिए आ, मेट्रो जरूरी था क्योंकि बहुत सी पब्लिक हैं जो ये कहती है कि नागपुर में मेट्रो की जरूरत नहीं थी नहीं नहीं कैसा है ऐसा नहीं है कि कभी कभी आ, कोई कोई चीज ऐसी रहती है कि अगर अपने सामने आ जाए हाँ। आज तो ठीक है आज हमको दिक्कत ऐसा लग रहा है हाँ। लेकिन वा, आने वाले वक्त की हमारी जरूरत बन जाएंगी वो ये बात को सोचना चाहिए सामने का सोच के ही काम करना चाहिए डेवलपमेंट वैसा ही होगा अगर ये चीज़ें देख के हम लोग अपना सामने का डेवलपमेंट अभी मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ एक कैसा कि मुद्दे से भटक के एक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ें चीज़ मैं आपको उन्नीस की बात है कि जब शायद भाजपा शिवसेना की सरकार बनी थी और नितिन जी फिर से नितिन जी का नाम लूँगा तब उसमें बांधकाम मिनिस्टर थे तो पहली बार पहली वक्त ऐसा लगा था कि कोई पुल बनते हैं या कोई ऐसा भी डेवलपमेंट रहता है पहली बात किसी ने शो किया था कि भाई कोई मिनिस्टर इतना फेमस हो सकता है ऐसा ऐसे काम करके नहीं बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए वहाँ से तो डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया हमको उसके पहले हमको समझ में नहीं आता था कि डेवलपमेंट क्या होता है अगर ये डेवलपमेंट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ज़रूरत हमारी 2030 की है और 2022 में होगी तो बहुत अच्छी बात है आज हम आठ साल सामने हैं इसको पीछे सोचने वाली ज़रूरत ही नहीं है मतलब बहुत फास्ट गति से डेवलपमेंट हुआ है और वैसे भी जो मेट्रो का जो पैसा मिला हुआ है मैं आपको टेक्निकली भाषा में बताता हूँ मेरे को मालूम नहीं है कि जापान ने इस, इसको फंड किया हुआ है और इसमें इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है उनको बहुत साल तक के इंटरेस्ट उसका वाला माफ़ है और सामने भी उनका रिपेमेंट करना है धीरे धीरे तो हो सकता है आराम से लोगों को उसकी ज़रूरत पड़े लोग मोटर इसमें क्या होगा कि लोगों का पेट्रोल बिट्रोल जो रहता है ना इतना जो खर्चा हो रहा है जो तकलीफें आ रही है पेट्रोल एक सौ लीटर बड़ा हुआ है तो लोगों को लगेगा नहीं लोग पांच रुपए की टिकट में जा सकेंगे आराम बेरिकल, से।, बेरिकल से इस बात को सोचना चाहिए सर मेट्रो में तो मैंने एक चीज और देखा है कि वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं खास करके एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं तो वो साइकिल भी वहाँ मतलब मेट्रो में लेकर जा जाए तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे लिए इसलिए नहीं की मैं किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ बोल रहा हूँ नहीं मैंने भी आपका जनरल ओन डेवलपमेंट के पक्ष में हाँ। ही बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल वो बात सर और डेवलपमेंट के मामले में जैसा हमने बात किया कि एक मेट्रो बन गया है और अभी आगे का हमने देखा है कि फोटाला तालाब में भी एक पर्यटकों के लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट है बट सर स्टिल वो बहुत सालों से आधार में लटका हुआ है जैसे हम देख रहे हैं, देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर लाके रख दिया है और जितने पर्यटक पहले वहां जाते थे अब कोरोना काल से वो क्वांटिटी कम हो गई है उनकी देखिए मैं दूसरा उदाहरण उसके लिए लूंगा अभी आज के पेपर का न्यूज है कि हाँ। पचहत्तर किलोमीटर की सड़क जी। पांच दिन में कंप्लीट की जो कि सालों से पेंडिंग थी वो अमरावती से अकोला वाला मार्ग जो था वो Yes, तो कैसा है कि कभी कभी पैसों का होता है, कभी लेबर का होता है बहुत सारी में चली गई, तो इसके लिए हम बोल नहीं सकते करोना की वजह से हम लोग काफी पीछे आ गए अभी लेबर लेबर को अरेंज करना कॉन्ट्रेक्टर अरेंज करना ये वक्त लग जाता है yes, ऐसा तो छोटा काम नहीं है नहीं सर तो जो फुटाला में बन रहा है तो आपको लगता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बाहर के आने के लिए बिल्कुल रहेगा लोगों लोग आएंगे वहाँ पर लोग उसको देखेंगे अप्रिशिएट करेंगे और ऐसा बनना चाहिए लोग यहाँ पर टूरिस्ट बन के आए हमको पैसा दे के जाएंगे नागपुर का इंडस्ट्रियल ग्रोथ ग्रोथ होगा पर्यटन का ग्रोथ होगा यहाँ पर लोगों के पैसे आएंगे बाहर से पैसे आएंगे हमको लोगों से बाहर से पैसा लाना है यहाँ पर हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसी ऐसी सोच कर दर्शकों देखा आपने कि न सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक हो आर्थिक हो राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो हर फील्ड में डॉक्टर राजेंद्र पडोले सर ने महारत हासिल की है अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए के साथ तब तक के लिए आप बने रहिए इन बी न्यूज के साथ नमस्कार आप, आप लागपुर अच्छा कारण इतने अंतरराष्ट्रीय दर्जा चाहिए कड़े कुछ गरज नहीं वाव। मस्तच की चला मग तर मग लागूयात का तयारीला हो जंगल सफारी आणि टायगर बावन्न किलोमीटर व किलोमीटर अंतरावर निसर्गाच्या सानिध्यात बसून निसर्गाचा आनंद घ्या जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत किंवा शाळा कॉलेजेसच्या मित्र मैत्रिणींसोबत प्लॅनिंग करत असाल तर अवश्य भेट द्या टायगर पॅराडाईस रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्कला हा पण माझी कट आहे मला आपलं लग्न टायगर पॅराडाईस रिसॉर्ट अँड वॉटर पार्कलाच व्हायला हवं हो चल ठेवते मी